अगर आप भी यूज़ करते हैं जियो का सिम कार्ड तो आपने कोई ना कोई कॉलर ट्यून तो ज़रूर लगाया होगा, लेकिन अब आप चाहते हैं अपने कॉलर ट्यून को चेंज करना, तो आज मैं आपको इसका कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने जियो सावन ऐप को ओपन कर लेना है, जहाँ से आपने अपना कॉलर ट्यून सेट किया था वही जियो सावन ऐप आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है जो गाना अब आप सेट करना चाहते हैं उसके बारे में, यहाँ पर आपको टाइप करके सर्च कर लेना है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर ये वाला गाना सेट करना चाहते हैं। तो ये गाना हम अपने कॉलर ट्यून में सेट करना चाहते हैं, लेकिन हमारा ऑलरेडी जो सेट है वो कोई और गाना है। तो अब हमें इसे चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सेम प्रोसेस यहाँ पर इस गाने के पास में जो थ्री डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, देखिए जियो ट्यून एंड रिंगटोन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप इस गाने को सुन भी सकते हैं, तो हम यहाँ पर प्ले करके सुन लेते हैं। तो ये वाला गाना हम सेट करना चाहते हैं अपना जियो टोन, न्यू जियो टोन हम यहाँ पर सेट करना चाहते हैं, और ओल्ड वाले को हम यहाँ पर चेंज करने जा रहे हैं। तो चेंज करने के लिए आपको सिर्फ सेट जियो ट्यून पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर सेट जियो ट्यून पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा, जो आपका पहले वाला जियो ट्यून था वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, और जो न्यू आपने सेट किया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट हो जाएगा। सो ऐसे करके आप अपने जियो ट्यून यानी कि कॉलर ट्यून को चेंज कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न बाकी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।